नेताओं के लिए चुनाव लड़ना और जेल जाना कोई नई बात नहीं है, और इस वक्त भी कई नामी गिरामी नेता जेल के अंदर बंद हैं, जिनको लेकर सवाल उठ रहा है कि ये नेता क्या जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा होगा या फिर नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन जेल से चुनाव लड़ने की परंपरा देश में दशकों पुरानी रही है, जिस परंपरा के बारे में आज श्रेष्ठ भारत आपको बताने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जेल में रहते नेताओं और बाहुबलियों के चुनाव लड़ने की परंपरा काफी पुरानी है और ऐसे लोगों की लंबी फेहरिस्त है। वैसे तो जेल से चुनाव लड़ने का सिलसिला 70 के दशक में शरद यादव से शुरू हुआ था, ये जॉर्ज फर्नांडेज, शाहबुद्दीन, काली प्रसाद पांडे के आगे भी जारी रहा। इस बार कितने लोग जेल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल में बंद होने के बावजूद चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। खैर, कहा जाता है कि जेल में रहते चुनाव लड़ने की शुरुआत बिहार से हुई। बिहार में इसकी शुरुआत समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस से मानी जाती है। देश में आपातकाल जब लगा हुआ था, देश से आपातकाल खत्म होने के बाद जब 1977 में लोकसभा चुनाव हुए तो जॉर्ज फर्नांडिस को जनता पार्टी ने मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार बनाया था। उस वक्त वो जेल के अंदर बंद थे। बाहुबली काली प्रसाद पांडे ने भी 1985 में जेल में रहते ही निर्दलीय चुनाव लड़ा और गोपालगंज में कांग्रेस के अभेद्य किले को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। फर्क यही रहा कि ज्यादातर बाहुबली ही उसके बाद जेल से चुनाव लड़ते या अपने परिजनों को चुनाव लड़वाते। फिलहाल अगर प्रखर समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें, जिन्होंने जेल से चुनाव लड़ने की शुरुआत की, तो समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस को डायनामाइट कांड में तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। उन पर आरोप था कि इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने सरकारी संस्थानों और रेल ट्रैक उड़ाने के लिए डायनामाइट की तस्करी की। इंदिरा सरकार को हटाने के लिए विद्रोह करने का आरोप भी उन पर लगा। उन्हें 1976 में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। साल 1977 में जब विपक्षी दलों ने जनता पार्टी बनाई तो जॉर्ज फर्नांडिस को बिहार के मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया। जेल में रहते ही उन्होंने चुनाव लड़ा और 3 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की। वहीं बिहार से जेल से चुनाव लड़ने वालों की फेहरिस्त छोटी नहीं है। बिहार के एक बाहुबली काली प्रसाद पांडे ने गोपालगंज सीट से चुनाव लड़कर भारी मतों से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। गोपालगंज को तब कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। साल 1984 का वक्त था जब साल 1984 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काली प्रसाद पांडे ने कांग्रेस के दिग्गज और कई बार के सांसद रहे नगीना राय को हरा डाला था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर का लाभ भी कांग्रेस उम्मीदवार नगीना राय को नहीं मिला था। हालांकि बाद में काली प्रसाद पांडे ने अलग अलग कई दलों से टिकट पर चुनाव भी लड़ा। वहीं एक वक्त ऐसा भी था जब जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का छात्र आंदोलन 1974 में जब उफान पर था, तब छात्र नेता होने के नाते शरद यादव को जेल भेज दिया गया था, लेकिन वो जेल में रहते ही सांसदी का चुनाव जीत गए थे। दरअसल जेपी का छात्र आंदोलन 1974 में हुआ, छात्र नेता होने के नाते शरद यादव को जेल भेज दिया गया। उसी वक्त जबलपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। जबलपुर लोकसभा सीट से सेठ गोविंद दास 1952 से ही लगातार चुनाव जीतते रहे थे, लेकिन उनके निधन से ये सीट खाली हो गई। जबलपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते जेपी ने शरद यादव को ही वहां से चुनाव लड़ने को कह दिया। शरद यादव जेल में रहकर पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए। शरद यादव के खिलाफ उस वक्त गोविंद दास के बेटे मैदान में थे। शरद को छात्र आंदोलन के कारण सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिला। बाद में शरद यादव बिहार की मधेपुरा सीट से भी सांसद बने। इंदिरा गांधी ने जब संसद का कार्यकाल 5 साल की बजाय 6 साल किया तो शरद ने जबलपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था। वहीं बिहार में बाहुबली से राजनेता तक का सफर तय करने वाले अनंत सिंह ने भी 2020 में जेल में रहते ही विधानसभा का चुनाव लड़ा और 5वीं बार विधायक बने थे। आरजेडी के टिकट पर उन्होंने मोकामा से जीत दर्ज की थी। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार राजीव लोचन को हरा डाला था। अनंत सिंह पर 38 आपराधिक मामले दर्ज थे। उनके घर से 2019 में AK-47 और बम बरामद हुआ था। कुछ दिनों तक अनंत सिंह फरार रहे, बाद में सरेंडर कर दिया। सजा हो जाने के कारण उनकी सदस्यता खत्म तो हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को उपचुनाव में उतार दिया।
और उपचुनाव में मोकामा से वो जीत गई। हालांकि अब अनंत सिंह आरजेडी छोड़कर एनडीए कैंप में हैं। अब बात करते हैं शहाबुद्दीन की, क्योंकि सिवान में आतंक का प्रयार रहे शहाबुद्दीन का राजनीतिक जीवन तो 1990 में ही शुरू हो गया था, जब वो जीरादेई सीट से पहली बार 1990 में विधायक चुने गए। लालू प्रसाद यादव जब जनता दल में थे तो उन्होंने शहाबुद्दीन को 1995 में टिकट दिया और वो दोबारा विधायक चुन लिए गए। हालांकि अपराध की दुनिया में रहने के बावजूद वो राजनीति में रुचि लेते रहे। आरजेडी के टिकट पर शहाबुद्दीन 1996 से 2004 तक लगातार 4 बार सिवान के सांसद चुने गए। आखिरी लोकसभा का चुनाव उन्होंने जेल में रहते ही लड़ा। जेल में रहते ही उन्होंने 2004 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा और जीत हासिल की। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की अब की जाए तो उत्तर प्रदेश में जेल से चुनाव लड़ने वाले बाहुबली नेताओं की लंबी फेहरिस्त है, जिनमें मुख्तार अंसारी, राजा भैया, हरिशंकर तिवारी, आजम खान, नाहिद अंसारी जैसे कई नाम शामिल हैं जिन्होंने जेल में रहते चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जेल में रहते ही राजा भैया ने 2002 में चुनाव लड़ा था, जीतने पर मुलायम सिंह यादव ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री बना दिया था। मुख्तार अंसारी ने जेल में ही 2017 में यूपी विधानसभा का चुनाव मऊ से लड़ा और जीत हासिल की। इसी तरह हरिशंकर तिवारी ने 1985 में जेल से ही गोरखपुर से चुनाव लड़ा और जीत गए। माफिया डॉन ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू ने 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हालांकि सीतापुर से बबलू चुनाव हार गया था। अब बात करते हैं वर्तमान की, यानी इस समय की, क्योंकि वर्तमान में झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची की होटवार जेल में बंद हैं। कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें दुमका लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। हेमंत के पिता और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन पिछली बार दुमका से चुनाव हार गए थे। दुमका सीट अभी बीजेपी के कब्जे में है, वहां से सुनील सोरेन सांसद हैं। हेमंत सोरेन के उम्मीदवार बनने पर दुमका सीट पर मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प रहने वाला है, इसलिए कि हाल ही में जेएमएम छोड़कर बीजेपी के साथ गई उनकी भाभी सीता सोरेन को पार्टी ने सुनील सोरेन की जगह अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पिछली बार वहां जीत हार का अंतर तकरीबन 50,000 वोट का था। अब दुमका सीट पर देवर भाभी के मुकाबले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जेल से हेमंत जब चुनाव लड़ेंगे तो इतिहास के पन्नों में उनका भी नाम अब दर्ज हो जाएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।